भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह भीलवाड़ा सभा को क्या संबोधित, बूथ अध्यक्ष के साथ बूथ के महामंत्री भी हुए सम्मिलित। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के एक दिवसीय भीलवाड़ा दौरे के दौरान आज शहर के आरसी व्यास कॉलोनी स्थित अग्रवाल उत्सव भवन के सामने मैदान में बूथ शक्ति केंद्र कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस कार्यकर्ता सम्मेलन में भीलवाड़ा एवं टोंक जिले के बूथ अध्यक्ष के साथ साथ बूथ के महामंत्री भी सम्मिलित थे। इस सम्मेलन में भीलवाड़ा व टोंक जिला कोर कमेटी सांसद, पूर्व सांसद, विधायक, पूर्व विधायक, जिला प्रमुख, उप जिला प्रमुख, यूआईटी चेयरमैन, प्रधान, उप प्रधान, सभापति, उप सभापति, जिला पदाधिकारी, जिला मोर्चे के सारे पदाधिकारी, पार्टी मोर्चों के प्रदेश पदाधिकारी, प्रदेश कार्य समिति सदस्य, प्रकोष्ठ के जिला संयोजक एवं पदाधिकारी, विधानसभा मंडल प्रभारी, सभा मंडल, सभी मंडलों के अध्यक्ष एवं पार्टी पदाधिकारी, मंडलों के मोर्चा अध्यक्ष एवं पदाधिकारी, समस्त शक्ति केंद्र CRDR पार्षदगण इस बैठक में सम्मिलित थे। भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने कहा कि देश में कोई भी नेता भारतीय जनता पार्टी को चुनाव नहीं जिता सकता है। चुनाव तो सिर्फ बूथ और शक्ति केंद्र के कार्यकर्ता ही जिता सकते हैं। मैं देशभर में जहाँ भी चुनाव होते हैं वहाँ जाता हूँ और शक्ति केंद्र के कार्यकर्ता चुनाव में अच्छी तरह साथ देने को लेकर कहता हूँ।